Hi guys, I'll talk about Gauss law in this video. Gauss law is basically it's a law that relates the net flux through a closed surface. Important baat ye hai, net flux through a closed surface and the charge enclosed by it. ठीक है, तो मान लेते हैं एक ये सरफेस है. फ्लक्स के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, एक 3D सरफेस है एनक्लोज्ड कुछ चार्ज को करते हुए, जैसे एक रूम, एक स्फीयर, एक सर्कल को क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे, ठीक है, डिस्क को भी नहीं बोलेंगे, 3D क्लोज सरफेस होनी चाहिए, कोन को बोल सकते हैं, स्फीयर, क्यूब, ठीक है, इस टाइप की. तो इसके अंदर बैठे चार्ज कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, लेट से एक है Q1, दूसरा है -Q2 और कुछ चार्जेस बाहर बैठे हुए हैं Q3, ठीक है. तो इस सरफेस पर अलग अलग जगह जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ है, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है. तो हमने हर इलेक्ट्रिक फील्ड ली और छोटा सा एरिया लिया dA, और ऐसा ही हर जगह किया E' dA', ठीक है. और जब हमने नेट फ्लक्स निकाला, नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स आएगा समेशन ऑफ E.dA. ये जो छोटे छोटे एरियाज थे इन पर E और dA का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है, उनसे जो हमें फ्लक्स मिला, हमने सारे छोटे छोटे dA को ऐड किया, मीन सारे फ्लक्स को ऐड किया, तो आपको नेट फ्लक्स मिला इज फाइनेट. और ये आया क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज बेसिकली गॉस लॉ दैट नेट फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो ये गॉस लॉ है जो नेट फ्लक्स को एनक्लोज चार्ज से ज्वाइन करता है, ठीक है. इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, is due to all charges whether they are inside or outside, ठीक है. ये सभी charges की वजह से, चाहे वो charges अंदर हो या surface के बाहर हो, but यहाँ ये जो Q enclosed आ रहा है ये सिर्फ Q1 और Q2 count होंगे, Q3 count नहीं होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि एनक्लोज्ड चार्जेस सिर्फ ये दो हैं और वो भी नेट एनक्लोज निकालना है, तो हमारे इस डायग्राम में क्यू एनक्लोज्ड लिखा जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2, ओके. क्योंकि Q2 एक नेगेटिव साइन के साथ है, इसको माइनस साइन देंगे, और Q1 एक पॉजिटिव साइन के साथ है, इट विल टेक एट प्लस Q1, ठीक है. सो दैट इज द एनक्लोज चार्ज. बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, ठीक है. हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, यहाँ हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इसमें Q3 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मगर यहाँ पर हम सिर्फ Q1 और Q2 को देख रहे हैं, ओके. तो इस चीज़ को और डिटेल में हम स्टडी करते हैं. इस एग्जांपल में क्या है, देयर आर टू चार्जेस, ये 6 कूलम, लेट से दिस इज 6 कूलम, और 1 कूलम एक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है. दैट इज जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. हम ऐसा भी बोल सकते थे 1 कूलम से 2 फील्ड लाइन्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है. तो 6 कूलम से 6 फील्ड लाइन्स और यहाँ से 5 फील्ड लाइन्स जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये 5 कूलम है और दोनों ही पॉजिटिव ले लिए गए. ये जो साइड में है ये गॉशियन सरफेस है, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे से एरियाज पिक किए, हमने ये एरिया पिक किया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक एरिया पिक किया, यहाँ पर एक एरिया पिक किया, यहाँ पर एक एरिया पिक किया, दीज आर स्मॉल एरियाज, यहाँ पर एक एरिया पिक किया, दिस दिस, ठीक है. और इन सब से हमने फ्लक्स पूछा, ठीक है. तो अब ध्यान से देखते हैं, हमें काम क्या है, हमें नेट फ्लक्स निकालना है. नेट फ्लक्स अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस को हम नेगेटिव काउंट करेंगे और बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस को हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, ठीक है. इस सरफेस में, ये जो सरफेस है जिससे हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले.
यहाँ फ्लक्स है माइनस टू, क्यों? क्योंकि यहाँ दो फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, यहाँ जीरो, एक फील्ड, यहाँ प्लस टू, सॉरी, दो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, यहाँ भी प्लस टू, और इन हर जगह पर एक दो तीन चार सब जगह पर वन वन, तो प्लस फोर लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? द नेट फ्लक्स इज प्लस सिक्स, मीन्स कुल मिलाकर इस जो भी शेप है, ये ओवल शेप थ्री डी बॉडी से छह फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही है, प्लस मीन्स बाहर छह फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये देखें, ये छह फील्ड लाइंस हैं किसकी? ये छह फील्ड लाइंस तो सिर्फ इसी ने जनरेट की थी, ये जो बाहर बैठा चार्ज है इसका कुल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहा। कैसे? इसकी फील्ड लाइन यहाँ अंदर गई तो यहाँ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस वन है, और यहाँ से वो बाहर चली गई जहाँ से वो प्लस वन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो कुल मिलाकर इस फील्ड लाइन ने, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं आप, कुल मिलाकर इस फील्ड लाइन की वजह से कोई भी नेट फ्लक्स नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। मगर फ्लक्स एट स्मॉल सरफेस, एट स्मॉल पोर्शन, क्या इसमें बाहर बैठे चार्ज का रोल है? यस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, क्या इसमें बाहर वाले चार्ज का रोल है? यस। बट नेट फ्लक्स में कोई रोल नहीं। ओके, दैट इज बेसिकली गॉस लॉ। ओके।